क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बाद अब ये क्या है सोशल क्रेडिट कार्ड, और एरिया 51 क्या है और ये कहाँ है हर्ट सिंबल, जो आजकल वर्चुअल एक्सप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, ऐसे ही कुछ गजब और अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है, जिसके बाद आप यही कहेंगे परप्लेक्सिंग मैन, मतलब आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे भी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 11, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है कि लोग हर चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। चाइना की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें समाज में किए गए आपके व्यवहार से लेकर फेक ऑनलाइन न्यूज पोस्ट करने का रिकॉर्ड रहेगा, और इसे चाइना में सोशल क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसका सोशल क्रेडिट जितना अच्छा वह व्यक्ति समाज के लिए उतना ही अच्छा है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 10, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि मस्तिष्क की क्षमता इतनी जीबी है या फिर टीबी है, पर अब एक नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन को किसी जीबी या टीबी में नहीं मापा जा सकता है, इसकी क्षमता अनलिमिटेड है यानी असीमित है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 9, अमेरिका और एलियंस का कनेक्शन लगभग 70 साल पुराना है। 1969 के मून मिशन के बाद तो ऐसे र्यूमर्स और रिसर्च को हवा ही मिल गई, पर क्या आप जानते हैं अमेरिका मिलिट्री बेस में एक जगह नेवाडा डेजर्ट है, वहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर इलाके को एरिया 51 का नाम दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह से पहला मून मिशन भी लॉन्च किया गया था। हैरानी की बात यह भी है कि जो साइंटिस्ट एलियंस से कांटेक्ट करने वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्होंने इस मिस्टीरियस जगह को एलियन का बेस कैंप भी माना है। व्हाट अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, अगर किसी कंट्री की जियोग्राफिकल सिटिंग एक लैंडलॉक कंट्री के रूप में है तो उसे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर खासा निर्भर रहना पड़ता है, पर क्या आप जानते हैं जो अपने प्यारे भारत का कोची पोर्ट है उसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, एक्सरे मेडिकल साइंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स ने साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक कलर एक्सरे 3D प्रिंटर तैयार किया है जो कि एक्यूरेट एक्सरे रिपोर्ट विद सेम कलर प्रोवाइड कराता है, तो है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, हर्ट वाले सिंबल के बारे में भला आजकल कौन नहीं जानता होगा, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब इसे इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं सबसे पहला हर्ट सिंबल का इस्तेमाल जो कि लव को डिनोट करता है उसका कब किया गया था, अगर नहीं तो जान ले 1250 यानी 1250 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, और इसे पहले इस सिंबल को बड़े पत्तों के रूप में माना जाता था, इसको लव दिखाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, तो है ना गजब प्लस फैंटास्टिक मतलब गजबास्टिक। फैक्ट नंबर 5, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक पर्टिकुलर साल में जितनी कारें मैन्युफैक्चर करती है उससे 10 साल लगभग 20-22% कारें ही रोड पर प्रवेल करती हैं, पर हाल ही में रोल्स रॉयस ने एक डेटा जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि कंपनी ने आज तक जितनी भी कारें बनाई हैं उसमें से 75% ऑफ द कार्स आर स्टिल ऑन द रोड। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं जब से दुनिया बनी है उसमें से भी आज तक का स्पिरिचुअल बिलीफ अपने चरम पर था, अगर नहीं तो जान ले पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में उस समय के लोग सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे, तो है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको हॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपने रॉकी फिल्म के बारे में ज़रूर सुना होगा, ये एक स्पोर्ट प्लेयर के ऊपर बनी हुई एक ऐसी फिल्म है जिसे मात्र 28 दिनों में ही शूट कर लिया गया था। 28 दिन में ही शूट हुई इस फिल्म के बारे में किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक दिन ये फिल्म दुनिया भर में फेमस हो जाएगी। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अगर किसी चिल्ड्रन का बर्थ हो जाए तो वो बच्चा वहाँ का लीगल ऑनर हो जाता है,
कुछ ऐसा ही किया अर्जेंटीना ने। उसने एक प्रेग्नेंट वूमेन को अंटार्कटिका के सदर्न मोस्ट पार्ट में भेजा ताकि वे उस सुनसान कॉन्टिनेंट पर अपना क्लेम कर सके, और सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट पे पैदा हुआ वह पहला बच्चा था। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, डायमंड, ज्वेलरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लग्जोरियसनेस को फील कराती हैं, आखिर बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें ये सब पसंद ना हो। अभी हाल ही में एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि अर्थ के क्रस्ट से लगभग 250 किलोमीटर नीचे बहुत सारे महंगे डायमंड की खदान हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अमेजिंग। तो दोस्तों अभी तक तो हो गई काम की बातें, और अब ये है एक ज्ञान की बात। आज हम आपको एक कोट देने जा रहे हैं जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और उन्होंने कहा था, लुक डीप इंटू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।